जनपद में 56 केंद्रों पर कोविड-19 का निःशुल्क जांच किया जा रहा है, जिसके संबंध में मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सुधाकर प्रसाद पांडे ने बताया कि जनपद में चरगावा और जिला अस्पताल के सेंटरों पर 24 घंटा कोविड-19 की जांच की जा रही है। इसके अलावा अन्य केंद्रों पर सुबह 8 बजे से 5 बजे तक जाँच की जा रही है। CMO ने बताया कि प्रतिदिन 5,500 से लेकर 6,000 लोगों का जाँच किया जा रहा है। CMO ने कहा कि संकेत मिल रहा है कि प्रतिदिन हमारी पॉजिटिव रेट घट रही है। इसके अलावा जांच में जो लोग भी पॉजिटिव आ रहे हैं उन्हें होम आइसोलेशन के तहत मेडिकल किट भी दिया जा रहा है। इसके अलावा निगरानी समितियां लगातार होम आइसोलेशन के पॉजिटिव मरीजों के स्वास्थ्य पर ध्यान दे रही है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए CMO डॉक्टर सुधाकर प्रसाद पांडे ने कहा, यहाँ से रिपोर्ट ना मिली है। दो दिन के दिन मरीज घट रहे कोविड के, कहाँ पर जाँच करनी चाहिए? जी हाँ, हम 56 जगहों पर जांच कर रहे हैं। हमारे 56 केंद्र हैं पूरे ज़िले में जो कि कोरोना की जांच हो रही है। हमारे 2 केंद्र हैं जो हमारे सदर हॉस्पिटल के पास में और चरगावा इसी के पास, वो 24 आवर्स सेंटर चलता है। किसी भी समय कोई भी आकर के वहाँ जांच करा सकता है। बाकी केंद्रों पर 8 बजे से लेकर के शाम को 5 बजे तक कोरोना की जांच होती है। तकरीबन हम 5,500 से 6,000 लोगों का पर डे जांच ले रहे हैं। एंटीजन और RT-PCR की जांच हो रही है, जिसमें से अभी कल हमारे पास 280 मरीज पॉजिटिव आए। दिन पर दिन हमारी पॉजिटिविटी की संख्या घटती जा रही है। ये अच्छा संकेत है कि हम कांटेक्ट ट्रेसिंग करा रहे हैं। जो भी पॉजिटिव आ रहा है उनको होम आइसोलेशन कर रहे हैं, उनको जो चीज़ें हिदायत दे रहे हैं कि जिससे कि कोरोना संक्रमण आगे न फैले, घर में ही उनके घर पर ही जा कर के हमारी RR की टीम जो है और हमारी निगरानी समितियाँ जो हैं पॉजिटिव के घर जा कर के उनको दवाइयाँ दे रही हैं। पॉजिटिव के साथ साथ उनके घर में जितने लोग हैं उन सब लोगों को हम दवाइयाँ डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, जिससे कि जरा सा भी किसी को भी लक्षण अगर महसूस हो रहा है तो दवाइयाँ खाते रहेंगे और वो निरोग रहेंगे।